भाषा ज्ञान और बहुविकल प्रश्न ये सभी हमने खत्म किए। सो आज क्या देखेंगे, आज पीटी टू का रिवीजन देखेंगे। अभी पीटी टू एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, हाँ। सो हम वह आपके व्हाट्सएप में भेज देते हैं उसका सभी टाइम टेबल वगैरह। सो आज से क्या करेंगे हम, तीसरी कक्षा का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन में क्या क्या है, हाँ, पीटी टू के लिए कौन कौन से ये है, लेसन है देखो, मानव धर्म, बाद में हमारा प्यारा भारतवर्ष यह कविता और माँ की ममता, यह तीन दो लेसन और एक कविता है, दो पाठ और एक कविता है। कौन कौन से, मानव धर्म, हमारा प्यारा भारतवर्ष और माँ की ममता, यह तीन पीटी टू के लिए है, सिलेबस में पीटी टू के लिए है। सो आज से हम सॉरी दो अभी दो चार दिन क्या करेंगे, रिवीजन ले लेंगे। ओके, तो इसमें पीटी टू रिवीजन, पीटी टू लिखा है मैंने, रिवीजन पीटी टू, हाँ। कौन से पीटी टू में, मानव धर्म, हमारा प्यारा भारतवर्ष और माँ की ममता, हाँ, यह तीन है। सो तीनों में से ही हम प्रश्न देंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखे है रिवीजन के लिए। पर प्रश्न क्रमांक एक क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ये सभी एक्सरसाइज वगैरह सभी मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है, हाँ। तो ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, ये हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी ये नहीं चाहिए, समझ में आया। सो कंपल्सरी जो रिवीजन है उसे में आपको सभी सॉल्व करना है, वो सभी आपको लिखना है। ओके, तो पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उनको क्या कहते हैं, अमर, क्या कहते हैं, अमर। तो यहाँ लिखेंगे अमर, जो कभी न मरे वो क्या कहते हैं, अमर। दूसरा है जहाँ इलाज किया जाता है, कहाँ इलाज कराते हैं हम, अगर बीमार पड़े, बुखार आया, ये हुआ वो हुआ, कहाँ जाते हैं हम, अस्पताल। तो जहाँ इलाज किया जाता है क्या कहते हैं उसे, अस्पताल। तीसरा है हित चाहने वाला, हित चाहने वाला क्या कहते हैं उसे, हितैषी, हितैषी, हितैषी क्या कहते हैं, हितैषी। चौथा है शुभ चाहने वाला, शुभ चाहने वाला क्या कहते हैं, शुभ चिंतक, शुभ चिंतक। और जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, अब हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो हम आप हमें क्या कहेंगे, शिक्षक या अध्यापक, हाँ। तो हम यहाँ पर है शिक्षक, तो हम शिक्षक ही लिखेंगे, जो हमें शिक्षा देते हैं तो शिक्षक, शिक्षक। ओके, तो अभी देखो इधर प्रश्न क्रमांक दो है, ये क्या है, प्रश्न क्रमांक दो, सही उत्तर चुनकर लिखिए, सही उत्तर चुनकर लिखिए, मतलब यहाँ ब्रैकेट में ऑप्शन दिए है तो उसमें से चुनकर यहाँ जो जो शब्द लिखने हैं वो आपको क्या करने हैं, चुनकर लिखने हैं, समझ में आया। सो पहला ऑप्शन है सूत, दूसरा
गुरु का समानार्थक शब्द अध्यापक है। दूसरा है प्रशंसा का वियोग शब्द डैश है। प्रशंसा करना मतलब तारीफ करना, तो उसका विरुद्ध अर्थ शब्द क्या है? वियोग शब्द निंदा, तो निंदा का है यहाँ लास्ट पर है तो निंदा, तो प्रशंसा का वियोग शब्द निंदा है, निंदा। तीसरा अतिथि का समानार्थक शब्द डैश है। अतिथि, अतिथि में मतलब मेहमान, तो मेहमान कहाँ है यहाँ पर है मेहमान। अतिथि का समानार्थक शब्द मेहमान है। मेहमान है अभी देखो जमीन, जमीन का विलोम शब्द है। जमीन का विलोम शब्द कौन सा है? जमीन, आसमान। कौन सा है? आसमान। तो कहा है आसमान यहाँ पर है तो सेकंड वन आसमान। जमीन का विलोम शब्द आसमान है। आसमान है सूरज। सूरज का समानार्थक शब्द डैश है। सूरज का समानार्थक शब्द कौन सा है? रवि। इसमें कौन सा है? रवि। तो यह रवि, सूरज का समानार्थक शब्द रवि है। गंगा का समानार्थक शब्द देव नदी है। तो लिखो ये जल्दी जल्दी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और सही उत्तर चुनकर लिखिए। जो पहला है जो कभी न मरे अमर, जहाँ इलाज किया जाता है अस्पताल, हित चाहने वाला हितैषी, शुभ चाहने वाला शुभ चिंतक, जो हमें शिक्षा देते हैं शिक्षक। और इधर सही उत्तर चुनकर लिखिए, सही उत्तर चुनकर लिखिए। ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसमें से चुनकर क्या करना है आपको लिखने हैं, समझ में आया? तो गुरु का समानार्थक शब्द अध्यापक है। प्रशंसा का विलोम शब्द निंदा है। अतिथि का समानार्थक शब्द मेहमान है। जमीन का विलोम शब्द आसमान है। सूरज का समानार्थक शब्द रवि है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द सूत है। और गंगा का समानार्थक शब्द देव नदी है। सो यह क्या है आपका आज का क्लास वर्क है? यह है क्लास वर्क। सो इसे क्या करना है आपको? कंपल्सरी लिखना है एग्जाम में। एग्जाम के लिए ये क्या है? प्रिपरेशन है। यही आएंगे ऐसे नहीं, ऐसे और भी आ सकते हैं। सो आपको टेक्स्ट बुक का पूरा 3 लेसन टेक्स्ट बुक में मैंने जो जो लिखा है सभी पढ़ना है आपको। जितना हो सके उतना मैं रिविजन ले लेती हूँ, ओके? जितना होता है उतना
मानव धर्म, हमारा प्यारा भारतवर्ष और माँ की ममता, ये तीनों लेसन इसके नीचे के एक्सरसाइज सभी आपको कंप्लीट करने हैं। हाँ, आपको पढ़ के उसके प्रिपेयर, उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, तो जितना हो सके हम रिवीजन